जय कारा शेरा वलीदा, बोल साचे दरबार की जय। धूमावती माता की सदा ही जय हो। बंधुओं, आज आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रे में मैं आपको सातवें दिन आने वाली धूमावती माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो धूमावती माता की जय हो। बंधुओं, धूमावती माता धूमावती महाविद्या के रूप में जानी जाती है। यह देवी 10 तांत्रिक देवी का एक समूह है। जब देवी धूमावती के शक्ति रूप का अवतार पृथ्वी पर हुआ, यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। धूमावती माता का बदसूरत रूप भगत को जीवन की आंतरिक सच्चाई को तलाशने की प्रेरणा देता है। देवी धूमावती को अलौकिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा भी शत्रुओं के विनाश के लिए की जाती है। धूमावती माता की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक के अनुसार भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती ने उनसे भूख लगने पर कुछ खाने की मांग की, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शिव कुछ देर तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, तब पार्वती ने भूख से बेचैन होकर शिव को ही निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव से वह भयंकर दिखने लगी। उसके बाद शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा, और भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विधवा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव को ही निगल लिया था। इस रूप में वह बहुत क्रूर दिखती हैं, जो कि एक हाथ में तलवार धारण किए रहती हैं। बंधुओं, एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव भगवान की पत्नी सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें उनको और उनके पति भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया। उस यज्ञ में जाने से भगवान शिव ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वह यज्ञ में गई, जहां बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्ती और संत आए थे। लेकिन सती ने ऐसा महसूस किया कि उनके पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उग्र होकर यज्ञ की हवन कुंड में कूदकर आत्म हत्या कर ली और अपना बलिदान कर दिया। उसके कुछ क्षण बाद ही देवी की उत्पत्ति हुई, जिसे धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूमावती जयंती का महत्व। धूमावती देवी को एक रथ की सवारी करते हुए उस पर लगे ध्वजा में कोए के प्रतीक को दिखाते हुए एक बदसूरत बुजुर्ग विधवा महिला के रूप में दर्शित किया गया है, जिसके बाल सफेद होते हैं और वह सफेद साड़ी में दिखाई देती है। उनकी उपस्थिति भले ही खतरनाक और डरावनी है, लेकिन वो हमेशा पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए और धरती को इन जैसे पापियों से मुक्त करने के लिए अवतरित होती थी, जो कि इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई में विश्वास और सदाचार हर दुखों को मिटा देता है। धूमावती माता की पूजा करने से भक्तों के सारे पाप और समस्याएं खत्म हो जाती हैं। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा और संत परशुराम ने देवी धूमकेतु की पूजा अर्चना करके विशेष शक्तियों को प्राप्त किया था। देवी को बुरी आत्माओं से सुरक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाली देवी के रूप में क्लेह प्रिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है, अगर धूमावती जयंती के दिन देवी की एक झलक भी प्राप्त हो जाए तो देखने वाले भगत को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, भौतिक धन और सुख प्राप्ति के लिए भक्त पूरी भक्ति
और मनोयोग से धूमावती माता की पूजा करते हैं। धूमावती माता को काले कपड़े में बंधा हुआ तिल समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर काले तिल के बीज को देवी को चढ़ाया जाए तो भक्त की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। माता धूमावती के समक्ष अगरबत्ती धूप अवश्य जलाएं और माता की पूजा फूलों से करें। बंधुओं, अब मैं आपको धूमावती माता का मंत्र बताने जा रही हूँ। यदि इस मंत्र को मोती की माला से 9 माला रोजाना जपा जाए तो मनुष्य की उसके शत्रुओं से रक्षा होती है। ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। बोलो सच्चे दरबार की जय, धूमावती माता की जय। ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। 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 बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।